नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एडिट बॉर्डर के बारे में। एडिट पॉली में जो एडिट बॉर्डर होता है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ एडिटेबल पॉली और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके पहले करता हूँ लूप और इसको कर देता हूँ स्प्लिट। यहाँ से स्प्लिट करने के बाद मैं इसकी हेल्प से इसको ऊपर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्सेस आ जाते हैं। बेसिकली मेरे पास दो बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर और एक ये बॉर्डर। मैं बॉर्डर की हेल्प से मैं ये बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे बॉर्डर यही है, इसी को मैं बॉर्डर की हेल्प से सिलेक्ट कर सकता हूँ या इसको मैं बॉर्डर की हेल्प से सिलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एडिट बॉर्डर करके भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रूड के बारे में। मान लो मैंने इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया और इस बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप एक्सट्रूड करना चाहते हो बॉर्डर को, तो इसकी सेटिंग पे आप जा सकते हो। दो ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट है कि इसकी हाइट कितनी इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, आप यहाँ से हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इसकी, और यहाँ से है विड्थ, आप इसकी विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये विड्थ जो रहेगी वो नेक्स्ट सेगमेंट तक ही रहेगी, जो यहाँ पे सेगमेंट है इससे आगे आपकी विड्थ नहीं जाएगी। तो ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं, हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं और विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर, इसको मैंने क्लोज किया। उसके बाद बात करते हैं इंसर्ट वर्टेक्स। किसी भी बॉर्डर पे आपको वर्टेक्स को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वर्टेक्स पे क्लिक करो और जहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका एक वर्टेक्स देखो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे आप वर्टेक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ। उसके बाद है चैम्फर, कि अगर आपको बॉर्डर पे चैम्फर प्रोवाइड करना है तो आप बॉर्डर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं चैम्फर की सेटिंग्स पे, तो ये आपके पास वही ऑप्शंस आएंगे जो मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ चैम्फर के बारे में, कि चैम्फर यहाँ से दो टाइप से है। चैम्फर अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं स्टैंडर्ड और क्वाड, मैं स्टैंडर्ड यूज करता हूँ। यहाँ से आप चैम्फर डाल सकते हैं कि कहाँ तक आपको चैम्फर चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए, वो इस तरीके से आपके सेगमेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओपन करोगे चैम्फर आपका ओपन हो जाएगा। स्मूथनेस डालोगे तो कितनी इसके अंदर स्मूथनेस आपको प्रोवाइड करनी है वो आप स्मूथनेस आप यहाँ से इजिली प्रोवाइड कर सकते हो। कभी जरूरत वैसे इतनी पड़ती नहीं है, फिर भी जो आप एडवांस मॉडलिंग करेंगे उसमें इनकी जरूरत पड़ भी सकती है। क्लियर, अगर आप इस बॉर्डर पे मान लो आपने बॉर्डर लगाया और इस पे कैप लगाना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कैप भी लगा सकते हो या फिर यही सब ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके भी मिल जाते हैं, क्रिएट इंसर्ट वर्टेक्स कैप एक्सट्रूड चैम्फर, यहाँ से भी आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। कैप लगाने के बाद अब ये बॉर्डर नहीं है, आप इसे अब एज ए बॉर्डर सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसे एज ए बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, कैप लगने के बाद इसे एज ए बॉर्डर सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर, तो मैंने अंडू किया। कैप मैंने हटाई, दोबारा बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम चलते हैं एडिट बॉर्डर पे। फिर आता है ब्रिज करना। अगर आपको ये ब्रिज करना है तो मैंने ये बॉर्डर सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ये बॉर्डर सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ, ये दोनों बॉर्डर सिलेक्ट है। दोनों बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर ब्रिज का ऑप्शन चूज करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से इसे ब्रिज कर देगा। क्लियर है, अब इसकी ब्रिज में भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से है कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको इसके बीच में कितने चाहिए वो आप इजिली यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जो आपका ब्रिज है उसके अंदर आप टेपर डाल सकते हैं, कि आपको बाहर की तरफ टेपर चाहिए या आपको अंदर की तरफ टेपर चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहते हो जैसे आप कॉलम बनाना चाहते हो कुछ इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, कि मेरे को अंदर की तरफ ऐसे टेपर चाहिए, जितने ज्यादा सेगमेंट्स रहेंगे उतना टेपर आपका स्मूथ रहेगा। क्लियर, उसके बाद है बायस। बायस होते हैं जो सेगमेंट्स आपके ये ऊपर देखो इस तरीके से चाहिए, ऊपर करोगे तो सारे बायस ऊपर आ जाएंगे, नीचे करोगे तो यहाँ से आपके नीचे चले जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अगर आप कुछ इस तरीके की शेप चाहते हो तो इस तरीके की शेप भी आप बायस की हेल्प से बना सकते हो। उसके बाद है स्मूथनेस, कितना आपको स्मूथ चाहिए कितना नहीं, वो आप स्मूथनेस यहाँ से चूज कर सकते हो,
कि आपको कितने स्मूथनेस चाहिए यहाँ पे एजिस के ऊपर। उसके बाद ट्विस्ट करना है, एक होता है ट्विस्ट वन, एक होता है ट्विस्ट टू। ट्विस्ट वन आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप इसे ऐसे माइनस में और प्लस में ट्विस्ट कर सकते हो। सेम आपका ट्विस्ट टू है, माइनस प्लस में अगर आपको ट्विस्ट करना है तो आप इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से ही आपको नजर आएगा, कुछ ऐसे ऐसे आप इसकी ट्विस्टिंग का भी इफेक्ट यहाँ से देख सकते हो। फिर वही है, आप बॉर्डर को एज ए सिलेक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक बॉर्डर्स को यहाँ पे चूज कर सकते हो जिनको आप ब्रिज यहाँ पे करना चाहते हो। तो ये था आपका ब्रिज, कैसे आप इसको ब्रिज कर सकते हैं। मान लो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ब्रिज नहीं लगाता हूँ, और नेक्स्ट कमांड है कनेक्ट। अगर मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ भी कनेक्ट नहीं करेगा, क्लियर? क्योंकि सेगमेंट्स के ऊपर वो कनेक्शन देते, पॉलीगन्स के ऊपर वो कनेक्शन देते हैं। अब यहाँ पे पॉलीगन्स है नहीं तो कनेक्शन कैसे देगा? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं करता हूँ ब्रिज, ये मैंने जीरो किया है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ब्रिज किया। जब मैंने यहाँ पे ब्रिज कर दिया, अब मैंने ओके किया ब्रिज कमांड से, अब बॉर्डर्स मेरे एज इट इज सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ से कनेक्शन को यूज करूंगा, कनेक्ट करूंगा, अब मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसके पिंच कर सकता हूँ, कितना मेरे को पिंच चाहिए, और यहाँ से मैं स्लाइड कर सकता हूँ कि किस साइड मुझे अपने सेगमेंट चाहिए, क्लियर है? अंडू करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे अंडू किया, कमांड से बाहर अंडू, दोबारा बॉर्डर से सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ इस शेप को क्रिएट करना, क्रिएट शेप की हेल्प से, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया आपको, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, लीनियर पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये शेप वो अलग से बना देगा कुछ इस तरीके से, जिसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये ऐसे क्यों आई? क्योंकि मैंने एडिट अनेबल इन रेंडरिंग, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन किया हुआ है, तो इसने इस चीज पे एक प्रोफाइल दे दिया, रेडियल और रेक्टेंगल और जो भी आप यूज करना चाहते हो, ऐसे करके आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी कुछ ऑप्शंस होते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपका ट्रायंगुलेशन वगैरह होता है, जिसमें इस टाइप के ट्रायंगल आ जाते हैं जिनको आप बाद में टर्न कर सकते हो, ये एडवांस मॉडलिंग में यूज होते हैं, ठीक है? वेटेज डाल सकते हो और क्रीजेस डाल सकते हो, ये यूज होता है आपका स्मूथनेस के टाइम पे, कि कहाँ पे कैसी स्मूथनेस चाहिए। हल्का सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मान लो आपने ये किया और इसको टर्बो स्मूथ करते हो, तो इस टाइप की आपके पास स्मूथनेस आ जाती है। ये आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, मैंने वर्टेक्स वाले में भी बताई थी। बट अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्मूथनेस है मेरी ऑन किया, यहाँ से शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टॉगल, और क्रीजेस को इंक्रीज करता हूँ, तो वो इफेक्ट आपको स्मूथनेस वाला यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। तो ये था आपका कि कैसे आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्लियर है? ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं स्मूथनेस को आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये था आपका एडिट बॉर्डर, जिसमें आपकी इतनी सारी चीजों को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.